डकैत बबली कोल गैंग द्वारा किसान के अपहरण के 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद अभी तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। सरकारें चाहे कितना भी दावे कर लें कि मध्य प्रदेश अब दस्यु मुक्त हो गया है, लेकिन डकैत बबली कोल की इस घटना ने इन दावों की पोल खोल कर रख दी है। अभी तक दोबारा फिरौती के लिए परिजनों को कोई फोन नहीं आया है। वहीं रीवा संभाग की पूरी पुलिस टीम आईजी डीआईजी एसपी सहित जंगलों की खाक छान रहे हैं, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा बीत जाने के बाद अभी तक किसी प्रकार डकैतों का और किसान का सुराग नहीं लग पाया है। हालांकि पुलिस का दावा है कि वो बहुत जल्द ही बबली कोल गैंग का सुराग लगा लेगी और किसान को सकुशल घर वापसी करा लेगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि दो राज्यों की पुलिस मिलकर 24 घंटे से ज़्यादा बीतने के बाद जब कोई सुराग नहीं लगा पाई, तब क्षेत्र में दहशत का माहौल भी हो रहा है और परिजनों की धड़कने भी बढ़ रही हैं। हालांकि इस घटना के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस की टीमें अपना काम कर रही हैं और लगातार जंगल में सर्चिंग भी कर रही हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई सफलता न मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम है। कोई यही जानकारी मिली कि बबली कोल गैंग पकड़ ले गया है और मांग किया है 50 लाख की, और ये यहाँ आए दिन वो घूम, ये भी न्यूज़ मिली है कि करीब 4-5 दिन पहले से इसी गांव में कोलाने में घूमता है और आए दिन यही सुनने को आता है कि बबली आज यहाँ है वहाँ है, और प्रशासन अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, लेकिन प्रशासन यहाँ कई साल से लूज है। अब हमको लगता है कि हम लोग ये एरिया छोड़ के कहीं और हिंदुस्तान में बसे। दहशत है नहीं, जब से हम जानने लायक हैं तब से थी, हाया लगता है आगे भी रही आएगी। नहीं सक्षम, 50 लाख पूरी संपत्ति भी बेच दें तो भी नहीं। ये हरसेर गांव से अवधेश द्विवेदी नाम के करीब 55 साल के किसान हैं, वहीं पर रहने वाले हैं। उनकी आज सुबह करीब 3-3:30 बजे के आसपास बबली कोल गिरोह, जहाँ तक जो अभी तक सूचना है, उसने घर से अपहरण करके ले गया है और उसके बेटे के मोबाइल पे फिरौती की कॉल भी की गई है। ऐसी सूचना पुलिस को उस वक्त प्राप्त हुई थी, जिसके बाद यहाँ हमने करीब जंगल में 6 पार्टी पुलिस की उतारी है और सभी जो गांव जिनसे उसको सहायता वगैरह मिल रही है उनपे नज़र रखे हुए हैं कि कहीं कोई राशन दशत वगैरह उसके पास नहीं जा रही। सर्चिंग में हम लोग लगे हुए हैं, जल्दी इसका खुलासा करेंगे।